हेलोरियन वेलकम बैक टू द चैनल पी ई एस क्लासेज एंड दिस इज वरुण महाजन तो चलिए uh, हम देखते हैं हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट ठीक है तो प्रैक्टिस सेट हमारा ये फोर्थ रहेगा ओके okay, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आज का हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आप बोलते हैं कंप्यूटर डेटा को गैदर करता है इकट्ठा करता है और डेटा को स्टोरेज भी मेमोरी में जाके जो है वो किया जाता है और वो जो डेटा आपने इनपुट दिया ठीक है जो कि रॉ फॉर्म में था चंक फॉर्म में था जो कि एक अनऑर्गेनाइज था उस पर प्रोसेसिंग भी डेटा पे की जाती है फाइनल में आउटपुट एक मीनिंगफुल इन्फॉमेशन मिलती है ठीक है तो ये सारे काम हमें देखने को होते हैं बट कंप्यूटर एनालिसिस नहीं करता कोई भी इन्फॉमेसन आपने दी कोई भी डेटा दिया उस पर एनालिसिस वगैरह नहीं करता ठीक है तो आ, हम बोलेंगे क्या मेजर फंक्शन कंप्यूटर का नहीं है वो है ऑप्शन डी ठीक है तो एनालिसिस कंप्यूटर के द्वारा जो है वो डेटा की नहीं की जाती ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी जो है इसमें आपको जो है बेसिकली पूछा गया है कि क्या क्या, क्या कंटेन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेटका प्रोसेसिंग टू अकर बाकी ये ऑप्शन देखो ये देखो ये देखो और मुझे ऑप्शन इसका बताओ सही क्या होगा ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्सटी क्वेश्चन हम बात करें कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज डैश डेटा पहले भी बता चुका हूँ अनप्रोसेस्ड अन अनेंज्ड ठीक है रा फॉर्म में जो भी आप आइटम्स दोगे कंप्यूटर को यानी कि सीपीयू को तो बेसिकली वो क्या होता है आपका डेटा होता है फिर उस पर काम करके प्रोसेसिंग करके हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है ना आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डैश इज़ रिस्पॉन्सिव फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म ठीक है तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा डिस्कस किया हो हमने ठीक है एएलू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्सटी वन भी हो गया नेक्स्ट uh, आता है हमारा दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इंटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स बताओ सीपी <coughs> ठीक है आपको पता है यही है जो भी डेटा इसको दिया जाता है उसे प्रोसेसिंग की जाती है फिर प्रोसेसिंग करके जो भी अनऑर्गेनाइज़ डेटा उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट करता है जो हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें एज ए आउटपुट के तौर पर जो हमें मिलती है ठीक है चलो जी आगे कंप्यूटर्स मैन्युपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैन्युपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ठीक है अब होता है कंप्यूटर जो है वो डेटा की मैन्युपुलेशन करता है ठीक है कॉपीज करता है ठीक है तो बेसिकली मैन्यूपुलेशन करेगा तो इसी मैन्युपुलेशन को हम क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डैश इज द रिजल्ट डेटा प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आउटपुट ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक्स ठीक है अल्फा न्यूमेरिक डेटा आपको पता है क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है आपका अल्फा और आपके न्यूमेरिक जैसे कि न्यूमेरिक हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जो आप की बोर्ड में देखते भी हो ठीक है न्यूमेरिक डेटा और आपका अल्फाबेट्स जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी है ना इस टाइप के जो है वो अल्फाबेटिक डेटा आपको की बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं ठीक है तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक ठीक है तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि आ, इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है वो क्या होता है बेसिकली नंबर्स और अल्फाबेट करैक्टर जो है उसी को ही बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा सिक्सटी फाइव हो गया हमारा अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी सिक्सटी सिक्स हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ बताओ आपको तो मेमोरी यूनिट जब किसका पार्ट है सीपीयू का पार्ट है मैं कई बार बता चुका हूँ आपको ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर इज़ वट एवर इज़ टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिट टू कंप्यूटर सिस्टम चलो ये आपका होमवर्क है ये मुझे आपको मैंने इसका सही आंसर क्या है ठीक है कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए आपको नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज रिपीटेड है प्रोसेसिंग ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं डैश रिप्रेजेंट द रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज द डेटा मेड मीनिंगफुल बता चुका हूँ पहले भी डेटा इन्फॉर्मेशन ये डेटा है ये आपका इन्फॉर्मेशन है ठीक है सिक्सटी नाइन हो गया सेवेंटी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डवेयर यूज्ड टू ट्रांसलेट वर्ड्स साउंड इमेजेस एंड एक्शंस डेट पीपल अंडरस्टैंड इनटू अ फॉर्म डेट द सिस्टम यूनिट कैन प्रोसेस इज नोन एज ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं द डैश टेल द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट पहले भी बता चुका हूँ कंट्रोल यूनिट जो है वही बताता है कंप्यूटर को कि जो भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस है उसको किस हिसाब से जो है वो मैनेज कि, किया जाए कंट्रोल किया जाए ठीक है तो आपको पता है कंट्रोल यूनिट जो है वो सारा कंट्रोल का काम का करता है मैनेजमेंट का काम करता है उसको एक्ट करता है एज ए मैनेजर के तौर पे भी ये रोल प्ले करता है ठीक है तो सही ऑप्शन क्या है इसका कंट्रोल यूनिट और बड़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फॉमेसन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसेस देखो ये आपको पहले भी मैंने बताया इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है अब ये सी पी यू है इस सी पी यू में आपने कुछ भी इनपुट वगैरह दिया अब सी पी यू क्या करेगा जो आपने इनपुट दिया उसमें प्रोसेसिंग करेगा प्रोसेसिंग करके फाइनली आपको क्या मिलेगा जी आउटपुट मिलेगा ठीक है फिर उस आउटपुट को आप क्या करते हो या तो आप प्रिंट की फॉर्म में उसको निकलवा लेते हो या फिर उसको आप स्टोरेज करते हो किस में मेमरी में, में है ना तो ये हो गया आपका टेंजिबल आउटपुट ये आ जाएगा आपका इन आउटपुट उसको आप टच नहीं कर सकते जबकि आप प्रिंट किया हुआ पेपर को आप टच कर सकते हो वो आपका टेंजिबल आउटपुट होगा है ना तो आपने क्या देखा यहां पे आपको पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में आपको इनपुट देखने को मिल रहा है ठीक है यहां पे प्रोसेसिंग देखने को मिल रही है यहां पे आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा है और यहां पे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है तो सही ऑप्शन क्या है इसका ऑप्शन ए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस ठीक है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स बताओ ठीक है सेवेंटी फोर हो गया सेवेंटी फाइव हम देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज कॉल्ड बताओ ठीक है माइक्रो चिप नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन मेमोरी वर्क इन द कंजंक्शन विद बताओ सीपीयू आपको पता है जैसे कि यह आपका सी पी यू है यहाँ पर आपकी हम बात करें मैमरी है ठीक है ना तो मैमरी है अब कोई भी आपने डेटा दिया वो डेटा आपका यहाँ जाएगा रजिस्टर्स में स्टोर होगा ठीक है तो यहाँ पे आपका ए एल यू है और आपको पता है रजिस्टर्स भी आपकी क्या होती है मेमोरी ही होती है ठीक है आप ये मेमोरी लेकर चलो ठीक है ये आपके रजिस्टर्स क्या होती है मेमोरी ही होती है थोड़ा इज़ी हो जाएगा समझना आपके लिए तो रजिस्टर्स क्या होते हैं आपके मेमोरी ही होते हैं अब आपने कोई भी इनपुट डेटा दिया जैसे कि टू प्लस थ्री दिया तो मैंने आपको क्या बोला था कि रजिस्टर्स कैसे होते हैं जैसे कि इसमें ऐसे स्लॉट्स होते हैं ऐसे 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 टू जाएगा इधर थ्री जाएगा इधर प्लस जाएगा इधर अब दोनों का प्लस होकर जमा हो गया क्या आता है पाँच हो जाएगा यहाँ पर जहाँ पे ये स्टोर हो उसको क्यूमुलेटर बोलते हैं ठीक है तो ये बेसिकली इन रजिस्टर्स में स्टोर है बट आपने क्या देखा यहाँ पर जो आपका ए एल यू जो होता है ना ए एल यू ए एल यू क्या करता है ये रजिस्टर्स को कमांड भेजता है रजिस्टर को कमांड भेजता है कि यहाँ से टू जो है वो ए एल यू पे आता है ठीक है फिर कमांड जाती है थ्री जाता है इसके पास सी एल यू के पास दोनों तो का प्लस होता है प्लस भी ऊपर जाएगा प्लस होके फाइनली आउटपुट हमें यहाँ पे आया है ना तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो मेमोरी है वो किसके साथ कंजंक्शन में जो है वो काम करता है वो काम करता है हमारे सी पी यू के साथ ठीक है तो ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं ना पूछेंगे नहीं आपको इतना सफिशेंट है बस ये याद रखो आप कि मेन मेमोरी जो हमारी वो किसके कंजंक्शन में जो है वो काम करती है ठीक है सी पी यू के ठीक है तो सही ऑप्शन क्या है इसका सी पी यू नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पी यू का मेन रोल मेन गोल क्या रहता है मेन जॉब क्या रहती है तो कई बार पूछा हुआ है तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे अगर आपने अच्छे से मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको उसका आंसर पता होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट इनपुट रेफर्स टू बताओ ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवेंटी नाइन ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन ईजी है सी uh, uh, है ना आपको उन्हें बता दिया सी में क्या होता है ए होता है तो जो भी आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशन होंगी वो सारी आपकी लॉजिकल कैलकुलेशन होंगी ठीक है लॉजिकल ऑपरेशन होंगे अच्छा रहेगा हो बोलना तो वो सब आपके कहाँ पे होंगे ए में ए आपके कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो आपका सी में एग्जिस्ट करता है ठीक है तो सही ऑप्शन क्या है इसका सी प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इंटू कई बार पूछा हुआ है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन अपट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ठीक है तो ये होता है जी अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम ठीक है यहाँ पे अर्थमेटिक का नाम पूछा गया है यहाँ पे आपको लॉजिक की बात नहीं की गई है तो इसलिए लॉजिक को मत लेना जब अर्थमेटिक एंड लॉजिक बोलेंगे तब हमारा एडिशन आ जाएगा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा और साथ ही साथ क्या जाएगा, आ जाएगा कंपैरिजन आ तो जाएगा बट यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन पूछा गया तो अर्थमेटिक ऑपरेशन किस क्या इंक्लूड करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड करते हैं हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं एटी टू की बात कर लेते हैं तो एटी टू क्या बोलता है जी चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इतना ही रखते हैं लेक्चर की लेंथ आई थिंक लंबी हो जाएगी ठीक है तो इतना रखते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओके टेक केयर बाय बाय